Hello friends, assalam alaikum. आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप GTA 5 का मॉड GTS एंड एंड्रॉइड में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मॉड तो नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट सेटअप है। आपने करना क्या है कि पहले तो मैं आपको एक गेम प्ले दिखा देता हूँ। तो वैसे तो बाद यूट्यूबर सारे यूट्यूबर्स आपको सारे नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको सारे दिखा रहा हूँ। मीडियम, लो, हाई, वे फॉर वेरी लो एंड, और ये मॉड सारे पीसीज में इंस्टॉल हो सकता है। लो एंड, हाई एंड, और मतलब जितने भी पीसी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गेम प्ले देखने के बाद आपको समझ आ गई हो कि ये आपकी गेम कैसे दिखेगी इस मॉड को इंस्टॉल होने के बाद। तो आपने करना क्या है कि चलिए चलते हैं इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ। तो आपने करना क्या है कि आपने फाइल डाउनलोड करने पहले आपने डाउनलोड करनी है डिस्क्रिप्शन से GTS एंड्रॉइड GTA 5 और ये नोर। आपने अगर आप ग्राफिक मोड वैसे इंस्टॉल करना चाहते हैं जैसे आपने उस गेम प्ले में देखा है तो आपने ये फाइल भी डाउनलोड कर लेनी है, GTA 5 ग्राफिक मोड फॉर GTS एंड एंड्रॉइड। ये भी डिस्क्रिप्शन में होगा। तो आपने करना है क्या कि आपने इसको ओपन कर देना है और ओपन करने के बाद आपने लोकेशन बतानी है कि आप किस लोकेशन पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं तो अपने डेस्कटॉप पे कर लूँगा। तो एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करें तो आपसे ये यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पे आप पासवर्ड दे दें MTR द गेमर। यहाँ पे ऊपर आपको लिखा हुआ आ जाएगा, ये नहीं दिखा लेकिन मैं आपको लिखा हुआ दे दूंगा। हाँ फ्रेंड्स, तो ये एक्सट्रैक्ट हो गई है फाइल्स और आप देख सकते हैं पहले इसका साइज था तकरीबन कुछ 850 MB और अभी ये 526 GB पे हो गया है। तो आपने इसमें ग्राफिक मोड नहीं इंस्टॉल, तो आपने करना क्या है कि मैं आपको इसका गेम प्ले भी दिखाता हूँ। अगर आप ग्राफिक मोड नहीं इंस्टॉल करना चाहते तो आप, मैं ये गेम प्ले भी दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, इसमें लोडिंग स्क्रीन एड्स की गई है GTA 5 की। तो ये वैसे गेम नॉर्मल वैसे तरीके से ऑन होगी, इसमें बहुत ज़्यादा GTA 5 की लोडिंग। आपने स्टार्ट गेम पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, हो सकता है आपके पीछे में ये लैग ना हो, लेकिन मेरे वाले में बहुत लैग हो रही है। लेकिन ये ग्राफिक मॉड इंस्टॉल होने के बाद आपके ये लैग होना बंद कर देगी।
हाँ फ्रेंड्स, तो आप अपने मैं अपने डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। तो अभी आपने करना है क्या है कि GTA 5 ग्राफिक मॉड फॉर GTA सैन एंड्रियास डाउनलोड करके और एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करें। तो ये आपसे लोकेशन पूछेगा, तो आप डाल दें डेस्कटॉप। ओके, ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो आपने ओपन कर देना है इसमें और रिक्वायर्ड फाइल्स पे क्लिक करना है और सारों को कॉपी कर देना है। लेकिन इसमें कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ कॉपी नहीं करना, आपको मसला आ सकता है, तो फिर आप कमेंट ना कीजिएगा। तो मैं कहूँगा कि वीडियो फुल देख लें, एंड तक देख लें। तो यहाँ से रिप्लेस फाइल्स पे क्लिक करें, तो फिर से जाएं इसमें, अब एडन पे आएं, तो ये फिर से कॉपी करके GTA San Andreas में पेस्ट कर लें। तो अब बात है ऑप्टिमाइजर्स की तरफ। तो ऑप्टिमाइजर्स से पहले आपने करना क्या है कि इसमें अपने GTA San Andreas को ओपन कर देना है और रीनेम पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसके दूसरी तरफ डाल देना है, कुछ आप नेम चेंज कर ले, और फिर आपने स्टार्टअप SP पे क्लिक करना है और एडिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे GTA San Andreas जो नाम आपने रखा है, तो मैं तो बोलूँगा बहुत चेंजेस ना करें, फिर आपको एरर आ सकता है, तो मैं वही नाम दे देता हूँ जो उसका था। तो यहाँ पे फाइल सेव पे क्लिक कर लें, ये सेव हो गई है। और अब आपने इसको आके यहाँ से कॉपी करके अपने GTA San Andreas में पेस्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने ग्राफिक मोड की तरफ। तो ये है सैन एंड्रियास डायरेक्ट एक्स 2.0 का ग्राफिक मोड है ये, तो आपने इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अब आपके पास बहुत ज़्यादा हैं डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह वगैरह, तो इसमें मैं आपको इन सारी गेम प्ले आप देख के आ गए हैं। और तो फ्रेंड्स, मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, मैं मीडियम वाला इंस्टॉल कर देता हूँ। तो इसको भी ऐसे कॉपी एंड पेस्ट। अगर आपका PC आपके पास सब थोड़ा सा लो एंड है, तो आप लो फाइल्स को कॉपी करके पेस्ट कर लें। हाई PC है तो आप हाई वाले को कॉपी करके पेस्ट कर दें। तो मैं मीडियम वाला कर देता हूँ, क्योंकि हाई वाले मेरे पास पहले के इंस्टॉल है। तो आपके पास अगर वेरी लो है, तो आप वेरी लो सेलेक्ट कर लें, मैं मीडियम इंस्टॉल करूँ। तो अपने गेम की तरफ आएँ और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर लें। तो थोड़ा सा और रिप्लेस द फाइल्स विद डेस्टिनेशन पे क्लिक करें। हाँ, और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आपके पास अगर विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8.1 है और विंडोज़ 8 है, तो आपने इन दोनों फाइल्स पे क्लिक नहीं करना। आपने गेम स्टार्ट करनी है, स्टार्टअप SP पे क्लिक करें। कैसे नहीं, फर्स्ट टाइम अगर जब आप करेंगे तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे आप चलाएँ, यस कर दें, तो ये गेम स्टार्ट हो जाएगी गेम आपकी। तो आपने स्टार्ट करना, तो फ्रेंड्स ये यहाँ से अब गेम स्टार्ट हुई, तो मैं गेम देख रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम ले लेगी। तो आपने सेटिंग्स जाके अगर गेम लैग हो रही है तो करना क्या है, तो आप क्लिक करना है शिफ्ट प्लस और यहाँ से सारी सेटिंग्स को ऑफ कर देना है, तो आपके FPS थोड़े ठीक हो जाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था अगर आपकी गेम फिर भी लैग हो रही है, तो आपने करना क्या है, एस्केप पे क्लिक करना है और ऑप्शंस, और यहाँ पे डिस्प्ले सेटअप पे जाना है, यहाँ पे एडवांस्ड, और फिर आपने यहाँ से रेजोल्यूशन चूज़ करनी है 800x600। तो आपके हो सकते हैं थोड़े से FPS थोड़े ठीक हो जाए, और अगर फिर इस पे भी आप ट्राई कर ले, हो सकता है आपके इस पे भी थोड़े कम। तो मैं ये चूज, हाँ फ्रेंड्स, तो पहले मेरे FPS आए थे कुछ 10 और अभी कुछ 15, और अभी मेरे FPS हो गए कुछ 20 हो गए, तो ये रिकॉर्डिंग की वजह से कुछ ऐसे आ रहे हैं। तो अब चलते हैं गेम्स के फीचर्स की तरफ। इसमें बहुत ज़्यादा GTA 5 की कार्स ऐड की गई हैं, जैसे ये अब GTA 5 की टैक्सी है, ये ट्रैवल का ट्रक है इसमें, और आपने की इसमें यहाँ पे दिखा रहा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें आप क्या क्या बाकी आपको।
वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको सिर्फ मेन मेन फीचर दिखा दूँ, बाकी सारी मैं आप जैसे डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाएंगे मेरी वेबसाइट पे, तो अब आप देख सकते हैं कि ड्राइवर है और ड्राइवर का ट्रक और ड्राइवर का घर। सॉरी, F9 से आगे माइकल, और यहाँ पे अब ये माइकल की कार है और ड्राइवर के घर के अंदर आप नहीं जा सकते, लेकिन माइकल के घर के अंदर आप जा सकते हैं। तो ये इसका घर है ऊपर से। तो आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट। तो इसमें चीट मेन्यू भी है, चीट मेन्यू भी इसमें है। 7 पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाइक्स की ऑप्शन आ जाएगी, तो अब इसमें आप जो बाइक सिलेक्ट करना चाहें। तो मैंने ये कार ले ली है और ये GT5 की कार है इसमें, और इसमें बहुत ज़्यादा नई फीचर्स ऐड किए गए हैं GT5 की तरह। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मॉड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और मैं GTA 5 पाकिस्तान पर भी एक वीडियो, एक ऐसी GTA San Andreas का एक मॉड है GTA पाकिस्तान, तो वो भी आने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।